Hello students, today we are going to discuss about chapter 8, exercise 8.1, quadrilaterals, class 9, question first. The angles of quadrilaterals are in the ratio. Find all the angles of quadrilaterals. As we know that sum of angles of quadrilateral is 360 degrees. Okay? Ratio hai 3x. 5x, 9x, 13x, कितना हो जाएगा सम 360 डिग्री. टोटल कितना हो गया ये हमारा 9 और 3, 12, 12 और 5, 17 और 13, 30x is 360 डिग्री. x is 30 उधर जाके डिवाइड में, 12 3 जा 36, 12 डिग्री. तो फर्स्ट एंगल इज 3 into 12 is 36. Second angle is 5x. 5 into 12 is 60 degree. Third angle is 9x. 9 into 12 is 108 degree. Fourth angle is 13x. 13 into 12 is 156 degree. जब हम इन सब एंगल का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 degree. क्या है, एज वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. हमने सबको प्लस किया, x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करते रहे, चारों एंगल हमारे आ गए. क्वेश्चन 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 इज इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे. ये हमने रेक्टेंगल बनाई, ठीक है, इनको हमने डायगोनल को जॉइंट किया ए बी सी डी. ठीक है, लेट गिवन पैरेललोग्राम इज ए बी सी डी हुज डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल. क्या इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी. हमने प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल. क्या प्रूव करना है, प्रूव ए बी सी डी इज रेक्टेंगल. रेक्टेंगल, ठीक है. तो हम देखो पहले क्या लेंगे, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी. ठीक है, ए बी सी और डी सी बी को हम कंपेयर करेंगे ए बी इक्वल सी डी. क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है. क्या है ये, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. हमने ट्रायंगल ली ए बी सी और डी सी बी, इसमें हमारा ए बी इक्वल हो गया सी डी के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है. ऐसे ही बी सी इक्वल सी बी, कॉमन हो गया ना, कॉमन बी सी इक्वल बी सी बी बोल सकते थे हम. ए सी इक्वल बी डी गिवन है. अब तीन चीज़ गिवन इक्वल हो जाएंगी तो हम क्या बोलते हैं, ए बी सी ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी सी बी के. ओके, यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं, अब जब ये कॉन्ग्रुएंट होगी है तो एंगल ए बी सी डी सी बी के इक्वल होगा. ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट होगी तो हम ये लिख सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल हो गया ये. ठीक है, बट एक प्रॉब्लम आई यहाँ पे, क्या डी सी हमारी पैरेलल है ए बी के, डी सी पैरेलल है ए बी के एंड ट्रांसवर्सल सी बी इंटरसेक्ट देम. ट्रांसवर्सल सी बी इंटरसेक्ट देम, तो क्या आ जाएगा, ए बी सी प्लस ए बी सी इज 180. ठीक है, ए बी सी और डी सी बी इक्वल हो गए,
तो हम इसको भी क्या बोल देंगे, ए सी बी बोल देंगे, और सी क्या है इंटरसेक्ट कर रही है ना दोनों को, तो यहाँ से हम लिखेंगे टू एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री, ए बी सी इज 90 डिग्री। ओके, ए बी सी 90 आ गया तो डी सी बी भी 90 आ जाएगा। हमने क्या देखा था कि रेक्टेंगल में ऑल एंगल हमारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, एंड वन ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। एक बार फिर देखिए आप, हमने एक रेक्टेंगल बनाई ए बी सी डी, उनके डायगोनल इक्वल हैं, हमने कोई भी दो ट्रायंगल ले ली ए बी सी और बी सी डी ले ली, उनको हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमने ये साइड इस साइड के इक्वल ली, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, ये साइड्स कॉमन है और एक साइड उसने गिवन दे रखी है, तो बाय साइड 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 से वो हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमने ये एंगल इस एंगल के इक्वल बोल दिया, बाय सिमिलैरिटी भी बोल सकते थे, ठीक है। वो इक्वल होने के बाद आप एक बात और देखिए, यहाँ पे डी सी पैरेलल ए बी है तो सी इंटरसेक्ट देम, इट सी इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम ए बी सी और इसको भी ए बी सी बोल सकते हैं, जब इक्वल है तो टू ए बी सी क्या हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अपोजिट साइड्स जो सम ऑफ अपोजिट साइड एंगल्स इज 180 डिग्री, तो यहाँ से ए बी सी 90 आ गया, ए बी सी 90 आ गया तो डी सी बी भी 90 आ गया, और रेक्ट एंगल में क्या होता है ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारी ए बी सी डी रेक्ट एंगल। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।